हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट कमेंट कीजिए और कहाँ कहाँ से आप मेरे को देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए, कुछ ना ऑर्डर आया था इंडिया से, तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि समर आ गया और आपको पता ही है मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जब भी समर आता है तो कपड़े का प्रॉब्लम। बाबा पहने क्या, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, पहने क्या। तो मेरी फ्रेंड आई थी सीरी, तो वो उससे बहुत सारा कपड़े मंगवाए थे, चूड़ी मंगाए थे, ये सब। तो सोचिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि समर आ गया तो पहनना भी तो है। उससे पहले आप लोग के साथ देख भी लेंगे फिट होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा देखते हैं। क्योंकि जब से आया ना, बस नहीं होता है, ठंडा अवस्था में रखा हुआ था कि कब टाइम मिलेगा, कब मिलेगा टाइम। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या आया है, समझे। ज्यादा इस बार नहीं मंगाया, झाजी ज्यादा लाने ही नहीं दिए इस बार, बोले उससे पहले तुम्हारा बहुत आ चुका है कुरियर, अब नहीं आएगा। यहाँ पे ये देखिए इतना आया है और एक और आया है, वो दिखाते, पहले इसको दिखाते हैं, इस कपड़े को। मेरा जैसे ही ना समर शुरू होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है ना कपड़े का, समर आ गया क्या पहने, क्योंकि यहाँ पे ना उतना अच्छा जैसा मेरे को चाहिए ना, जैसे मेरे को ये सब कपड़ा चाहिए तो यहाँ पे ये नहीं मिलता है, तो इसको बहुत मिस करते हैं हम। क्योंकि इंडिया रहता ना तो भाई वहाँ पे ऑप्शन है खरीदने का, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। जो वहाँ पे ना 1,000 2,000 में देगा, यहाँ पे 5,000 10,000 में होगा, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कह नहीं सकते। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले पिंक कलर का निकला है, देखिए। और इस बार जो मंगाया ना कुर्ता स्टाइल मंगाया, मेरे को कुर्ता बहुत, इससे पहले ब्लैक कुर्ता मंगाया था वो बहुत अच्छा फिट हुआ था। और क्या होता है ना, वो पैजामा भी चूड़ी, मतलब पैजामा भी, वो क्या बोले हम उसको, क्या बोल सकते हैं, पटियाला जैसा रहता है लेकिन पटियाला नहीं रहता है, लेकिन मस्त रहता है, एकदम कंफर्टेबल रहता है मेरे हिसाब। मेरे को क्या काम धंधा बहुत ज्यादा रहता है और मेरे को है फ्री कपड़ा रहे ना तो अच्छा लगता है भाई, थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं रहे, वो कपड़ा ना मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस बार ना कुर्ता स्टाइल से मंगाया है, तो समर में पहनेंगे ना तो समर में लुक मस्त आएगा। यहाँ पे ये देखो, सबसे पहले इसका प्राइस देखो भैया, प्राइस कितना है पता है, 3,099। सोचिए इतना महंगा पहनते हैं, इतना नहीं है, समझे, इतना नहीं पहनते। इसका कितना होगा हमको याद नहीं है, वही अराउंड 1,000 के आसपास होगा। वो अगर किसी को प्राइस चाहिए, लिंक चाहिए, जब बोलिएगा तब बताएंगे, अभी छोड़ देते हैं। सब कुछ हमें क्यों बताएं, कुछ आप लोग भी पूछिए। और आप लोग ना जो इधर उधर कमेंट करते हैं ना, कुछ भी पूछना हो ना भाई वीडियो में कमेंट कीजिए, हमें वीडियो में कमेंट कीजिए, यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, इधर उधर कमेंट करते हैं, कोई व्हाट्सएप पे कर देते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे कर देते हैं, मैं हम नहीं देख पाते हैं इतना कमेंट, समझे। सही बोले तो इतना काम धंधा रहता है, कब हम कमेंट देखेंगे। और यूट्यूब पे तो हमेशा खोलते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं तो दिख जाता है, बाकी इंस्टाग्राम मैसेज जाके हम नहीं खोलते हैं। सही बोले तो व्हाट्सअप भी ना आजकल हम ना छूना छोड़ दिए, बहुत कम यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट आया तो ही यूज पढ़े, नहीं तो छोड़ देते हैं। इसीलिए ना आप लोगों को कोई भी मैसेज सवाल है तो यूट्यूब पे कीजिए। चलिए आप ये देखिए, इसका ना ये वाला लुक ना हमको अच्छा लगा था, ये कुर्ता का ये लुक, इधर से दिखाते हैं आपको फुल, देखो मस्त लग रहा है, जब पहनेंगे तो देखिएगा मस्त लग रहा है। पैजामा जो है ना, ये देखो इसी का बोले थे, इसको आप लोग क्या बोलोगे, ये देखो ये फैला हुआ, इसको क्या बोलते हैं, मेरे को पता नहीं, याद नहीं है कि क्या बोलते हैं, पटियाला जैसा ही है लेकिन पटियाला ही बोलेंगे ना, जिनको पता है कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये जो बटन दिया ना ये बहुत प्यारा लग रहा है, समझे। चलिए एक ये आया है, चलिए फटाफट दिखाते हैं, क्योंकि इतना दिन से हम खुद नहीं देखे थे, बस ऊपर से देखे थे, ओपन करके नहीं देखे थे, वेट कर रहे थे कि कब कब वीडियो शूट करेंगे, कब निकालेंगे, कब, पहले तो समर का वेट कर रहे थे, समर आएगा तब ना पहनना है। नेक्स्ट है ये कलर, ये कलर का मेरे पास अभी कोई कपड़ा नहीं है, ये कलर मस्त लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हमको लगता है 14 में ये कलर पहने थे, उसके बाद अभी तक एक भी कलर नहीं है ये वाले में। और इसका सलवार ये सेम वही पैटर्न है, थोड़ा सा अलग होगा ये क्योंकि, और इसका प्राइस देखना चाहेंगे, इसका प्राइस बना है भैया,
और साइज जो है ना सब ट्रिपल एक्सल है, थोड़ा बड़ा लिए हैं कि भाई क्योंकि कॉटन है ना, प्योर कॉटन है, धुलने के बाद ना ऐसे हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा बड़ा ही लिए हैं। हाँ इसका भी अच्छा खासा दाम है, 3500, समझे? पता नहीं इतना प्राइस क्यों देते हैं। ये देखो इसका ये लुक मेरे को बहुत अच्छा लगा, आगे जो ये है ना, ये लुक अच्छा लगा, ये लुक अच्छा लगा, ये लुक अच्छा लगा। सबको ना शॉर्ट्स में पहन के आपको दिखाएंगे, अभी अभी बस देख लीजिए एक लुक, ये भी अच्छा लगा। ये डिजाइन मस्त है ना, और सेम वही पैटर्न है, कुर्ता स्टाइल का है, कॉलर वाला, ये देखो, और साथ में ये इसमें जैसे इसमें कटिंग था ना, तो ये ज्यादा ये वाला ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसमें बस प्लेन जैसे नॉर्मल कुर्ता रहता है ना, ये सूट रहता है ना, वैसे कटिंग है नीचे, लेकिन कलर बहुत प्यारा है। आप लोग बताओ कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सलवार, इसमें वो नहीं है, बटन नहीं है, इसमें बस प्लेन है, मोहरी दिया हुआ, इसको हम लोग मोहरी बोलते थे। हाँ मोहरी बोलते, ये मेरे को ना अच्छा लगता है ना, ऐसे सलवार क्या है ना, पैर के हैं, अगर लंबा सलवार है, प्लाजो है, पैर में फंसता है गिरने का चांस, इसमें कुछ नहीं है, आराम से मस्त पहन सकते हैं, समझे? और इसका ना बस प्रिंट नहीं जाना चाहिए, प्रिंट तो अच्छा ही लग रहा है, जाए नहीं तो देखते हैं वॉश करने के बाद देखते हैं क्या होता है, लेकिन कॉटन है, प्योर कॉटन है। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये बताना। चलिए थर्ड चलते हैं, सबको फोल्ड भी करना होगा, थर्ड भी आया है। ये वाला आप लोग को याद आ रहा है, इसको देख के कुछ याद आया, अब याद आया, अभी भी नहीं आया होगा ना। इसका प्राइस कितना है भैया? इसका इसका कम ही है, इससे इसका इससे कम ही है, 6000। कुछ याद आया? दुपट्टा से तो याद आ गया होगा, कोई तो लिखो बाबा, कोई अगर मेरे को देख रहा होगा तो याद तो आ रहा है। चलिए नहीं याद आएगा आपको, हम ही बता देते हैं। ये देखो पहले लुक, ये देखो फुल लुक, एनिवर्सरी में जो कुर्ता हम पहने थे ना उसी का ये ब्लैक है सेम, क्योंकि मेरे को ना ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा, बिना आयरन किए हुए कभी भी पहन लो और इतना अच्छा लगा, कंफर्टेबल लगा, कि हम इसका एक पीस और ऑर्डर कर दिए ब्लैक में। वो था इस कलर में, इसमें था, और फ्लावर प्रिंट सब कुछ सेम था, दुपट्टा भी सेम है, दुपट्टा यही कलर का है। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे एनिवर्सरी वाला उसमें, या फिर छोटा छोटा शॉर्ट्स देखे होंगे उसमें, सेम टू सेम है, लेकिन मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। और साथ में ये प्लाजो है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इसको ना बाद में हम घर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो मेरे को कपड़ा चाहिए ना वो बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायक चाहिए, क्योंकि काम धंधा करना रहता है ना, ये बहुत अच्छा है, ये देख रहे हैं। और ये फ्लावर प्रिंट है और ब्लैक कलर में मिला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और इसमें ये भी हमको अच्छा लगा, बाजू पे ये लेस दिया हुआ, ये भी बहुत सुंदर लगा, समझे? किसी को याद आया तो कमेंट बताइएगा, क्योंकि तो अब हम बता दिए हैं। चलिए ये 3 सूट मंगाए थे, साथ में ये 2 ब्लाउज सिल के आया है, एक ये घर से आया था साड़ी उसका ब्लाउज है, और एक मेरी फ्रेंड कल्पना है जो दुबई से आई थी, साड़ी दी थी, उसका ये ब्लाउज है, 2 ब्लाउज भी सिला के आया है। तो साड़ी कभी होगा तो दिखाएंगे जब पहनेंगे, या फिर आप लोग बोलोगे तब साड़ी दिखाएंगे। ये 2 आया और एक और आया, ये देखो गोल्ड चमक रहे हैं हम इस चेहरे में। हाँ हाँ इसमें क्या है चलिए देखते हैं, मतलब इसमें दिख तो रहा है चूड़ी है, फिर भी देखते हैं, डिजाइन तो दिखाना पड़ेगा ना। ये रहा, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखते हैं इसका, इसका ना ये तो अच्छा है, उससे प्यारा ना इसका डब्बा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है डब्बा। और ऑनलाइन साइज पे ना 2 2 6 लिए थे ना, 2 6 करके दिया है, लेकिन 2 6 हमको लगता है नहीं, थोड़ा सा ना छोटा लग रहा है, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन 2 6 जो होता है ना, हम जो पहनते हैं 2 6, ये अलग साइज है, मतलब ऑनलाइन लीजिएगा ना अगर ये बैंगल वगैरह, तो एक साइज बढ़ा के लीजिए, 2 8 लिया कीजिए, हम समझ गए ना कि ये ना नहीं होता है। ये एक बार ना और ऑर्डर दिए थे वो तो हुआ ही नहीं,
ये तो हो जाएगा, ये तो लग रहा है कि हो जाएगा। और ये देखिए कैसा लग रहा है, बस। इसका कितना प्राइस था? इसका ना कुछ 500 या नहीं 800 था, इसका 800 था। मेरे को क्या है ना, चूड़ी हम जैसे फेस्टिवल तीज हुआ, उसके बाद अभी वट सावित्री आएगा और एक करवा चौथ हुआ, ये सब में ना नया चूड़ी पहनना रहता है। इसीलिए ना जब भी कोई आता है या कोई आने वाले रहते हैं ना, तो हम चूड़ी उड़ी मंगा के रख लेते हैं, क्योंकि चूड़ी नहीं मिलता है यहाँ पे। और आखर बोलते हैं हम लोग, आखर मतलब पहले से पहना हुआ नहीं, वो होना चाहिए, समझे। इतना बस, यही इतनी सारा सामान आया है, बताइए। तो यहाँ जी ने इस बार दिया ही नहीं ऑर्डर। चलिए इसको रखते हैं, एक चीज दिखाते हैं। बहुत लोग का अच्छा कमेंट आया था कि लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनाए थे, बहुत लोग का आया था, जबकि हम बोल दिए थे वो टेम्प्रोरी चूल्हा है, परमानेंट चूल्हा बन रहा है, प्रोसेस में है, और वो मतलब अभी भी थोड़ा सा प्रोसेस में है, बट दिखा सकते हैं, समझे। चलिए दिखाते हैं आपको, और किस चीज़ से बनाए, कैसे बनाए, इसका ना शॉर्ट्स हम तैयार किए हैं, वो आप लोग के साथ बाद में शेयर करेंगे, लेकिन एक लुक देख लीजिए। चलिए दिखाते हैं, अभी सूख रहा है, सूख चुका है लेकिन, और ये खुद देखिए उसके बाद फिर बताते हैं। ये हमारा इंडियन चूल्हा, और इतना भारी है जो उठने ना उठेगा, समझे। फाइनली ये बन के तैयार है, सूख भी चुका है, समझे। आज हम कोशिश किए थे हिलाने का, एकदम लोग मिट्टी से बनाते हैं, हम पूरा ना सीमेंट बालू ही से ही बना दिए हैं, मस्त बनेगा इस पे। उचकुन इसको बोलते हैं, ये सब भी डाल दिए हैं, प्लस ये देखो ये जो राउंड ये जो किए हैं ना, ये यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसको अंदर डाल के ऐसे इससे सपोर्ट दे के बनाए थे ऐसे। तो ईट है इसके अंदर में, 6 ईट है, 2 इस साइड, 2 बैक में, प्लस ऐसे जाके सीमेंट बालू ने हम मिक्स मिलता है यहाँ पे, सीमेंट बालू मिक्स वाला पैकेट लेके आए थे, और यहाँ पे ये देखो पूरा मस्त बन गया है। अब आप लोग बताना है कि कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बनाया है, सोचिए आप लोग के साथ ना शेयर करें, क्योंकि बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आया था, समझे। कैसा लग रहा है बताना जरूर ना, हिलाना बड़ा मुश्किल है, हमसे तो ना हिला है। अभी सोचे कि उधर रख के ना थोड़ा चाय इस पे बनाएंगे, लेकिन अभी तो हमसे ना हिल, ये झाजी आते हैं ना तो उन्हीं को बोलेंगे रखने के लिए साइड में, समझे। मस्त लेकिन बन गया, हमको हमको खुद भरोसा नहीं हो रहा कि हम बनाए हम आपको क्या बोले। और वो जो बोले ना उचकुन वगैरह सब दे दिए हैं कि आराम से, पहला वाला जो चूल्हा देखे थे ना उसको भी लोग बोले कि बहुत अच्छा बनाए, कैसे बनाए है बताइएगा, जबकि वो ना टेम्प्रोरी था, ठीक है, वो ना प्रॉपर बना हुआ नहीं था, उसको हम कुछ किए नहीं थे, बस ईट लगा के मिट्टी का लेवा, हम लोग बोलते हैं लेवा लगा देना, तो चारों तरफ से वो कर दिए थे, समझे। बस सोचे ये तो दिखाना बनता है, और ये कवर देख रहे हैं होली वाला यहाँ लगा दिए, अच्छा लग रहा है ना। तब गार्डन में मस्त, आज मस्त वेदर था, आज तो गार्डन में हम पूरा बैठे हैं बाबा, समझे। वेदर अच्छा था, धूप बहुत अच्छा था, आज पहली बार यहाँ पे कपड़ा सूखा है मेरा गार्डन में, समझे। तो बहुत सारा काम आज गार्डन में हुआ है, तो बस यही था। अब जाते हैं झाजी के लिए थोड़ा चाय बनाएंगे, और ये वाले वीडियो को अब यहीं एंड करेंगे। तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हमारा चूल्हा भाई इतना मेहनत से जर्मनी में चूल्हा बनाया है। अब हम ना सोचे हैं कि थोड़ा आज भर हमको लगता है और सूखेगा, छोड़ देते हैं इसको, पानी बोलते हैं ना सीमेंट वाले पे पानी डालने, पानी उन्हीं डाल दिए इस पे भाई। हम सोचे हैं आलू पराठा बहुत अच्छा बनता है लकड़ी के चूल्हे पे, हमको याद है कि मम्मी बनाती थी लकड़ी के चूल्हा पे आलू पराठा, भाई क्या स्वाद आता था। तो एक मटन हो गया, आलू पराठा हो गया, कुछ कुछ इसी तरह बनते रहेगा हमारे इस छोटे से बगिया में, समझे। चलिए अब चलते हैं झाजी के लिए चाय चढ़ा देते हैं। हमको ना एकाएक याद आया कि अरे आप लोग कुछ दिखाए ही नहीं चूल्हा, चूल्हा बहुत लोग बोले क्या उचकुन, मतलब जो ऊपर में 3 गो दिए ना इस पे बर्तन अटकेगा, तो बोले उचकुन नहीं दिए हैं, बोले भाई टेम्प्रोरी है, परमानेंट बन चुका है, अब ये कुछ नहीं होगा, इस पे अब खाना हमेशा बनेगा, बस अब हमको इसको रखना कहाँ है वो सोचना होगा। चलिए ये सबको अब फोल्ड कर लिए, कहाँ गए लाइट पहले ऑन करो, किचन अभी मेरा पूरा मैसी, ये सबको फोल्ड कर लिए हैं, ये देख रहे हैं,
सबको फोल्ड कर लिए, अब ऊपर ले जाते हैं। और किचन में अब थोड़ा सा क्लीनिंग करना है। बहुत लोग बोलते हैं आपका तो घर क्लीन रहता है, फिर क्या करते हैं? ये दिखाते हैं आपको, क्लीन रहता है। ये देखिए, लंच हुआ, लंच के बाद ना थोड़ा ऐसे पूरा बिखरा बिखरा है। और यहाँ पे आज ये भी लगाए थे आज दिन में, ये देख रहे हैं? ये नहीं दिख रहा होगा, ये ट्रांसपेरेंट कर दिए। अब दिख रहा होगा ना, नीचे से ना पूरा दिखते रहता था उसको, ट्रांसपेरेंट वाला वो आता है ना पेपर प्लास्टिक, वो लगा दिए प्लास्टिक। चलिए आज का वीडियो अब यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और फटाफट मेरे चूल्हे के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, सूट वूट के लिए भी कीजिएगा, लेकिन चूल्हे के लिए जरूर कीजिएगा।